हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के एक नए अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी एपीएस संचालक है उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है। जो भी एपीएस चलाते हैं या फिर उनके पास कोई बीसी पॉइंट है, तो यहाँ पे एनपीसीआई ने एक और नया नियम लागू किया है। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों, जो एनपीसीआई का नया नियम है, वहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जब आप एपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं, वो चाहे पीडीवाई से करें या फिर डेली पे या किसी भी अदर कंपनी के एपीएस से करें, अगर आप एपीएस से आधार विड्रॉ करते हैं, तो आधार विड्रॉ करते टाइम जैसे किसी कस्टमर को 1,000 रुपये निकालना होता है, तो रिटेलर क्या करते हैं कि वहाँ पे वो 1,010 रुपया निकालते हैं। अगर 2,000 निकालना होता है तो 2,020, 3,000 निकालना होता है तो 3,030, तो ऐसे करके उनका आधार विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो कि एक्स्ट्रा जो है 10, 20, 30, 40 ऐसे करके वो अपना अमाउंट जो उनका होता है वो अपना उसी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एनपीसीआई ने इसी के ऊपर नया नियम लाया है। वो नियम क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, एनपीसीआई ने ये बताया है कि अगर आप आधार विड्रॉ कर रहे हैं और आधार विड्रॉ करते टाइम अगर आप ऐसे 10, 20, 30 के मल्टीपल में अगर आप निकासी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपका जो आईडी है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और जो आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो कि है, आपको सावधानी बरतनी है और आप जितना चाहें उतना कोशिश करें कि सिर्फ आप मल्टीपल में ही आधार विड्रॉ करें, अमाउंट निकालें। अगर कोई कस्टमर को 1,000 निकालना हुआ है तो आप 1,000 ही निकालें, 10 रुपया आप उससे एक्स्ट्रा जो होता है आपका वो आप उससे नगद ले सकते हैं, आप इसी में ऐड करके ना निकालें। जो भी आपका पैसा होता है वो आप उससे नगद में ही लें, आप इसी में ऐड करके वो पैसा ना निकालें। जैसे आपका किसी कस्टमर का 1,000 निकालते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, 1,010 लिख देते हैं। अगर किसी कस्टमर का 20 निकालना होता है, 2,000 निकालना होता है, तो वहाँ पे आप 2,020 कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, आप कोशिश करें कि इसको 2,000 ही निकालें, जो आपका 20 रुपया बनता है वो आप जो ग्राहक है, कस्टमर है, उससे ही ले लें। तो यहाँ पे एनपीसीआई ने बोला है कि अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं ऐसे तो आपको जो कि 50 के मल्टीपल में जो कि है आधार विड्रॉ करना है, निकासी करना है। जैसे अगर निकालना है तो आप 1,050 करके निकाल सकते हैं या फिर 2,050 करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप जो कि है निकासी कर सकते हैं 2,050 या फिर सीधा 2,100 या फिर ऐसे 150, ऐसे आप निकासी कर सकते हैं। लेकिन आप जो कि है 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके आप निकासी नहीं कर सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि आप 50 के मल्टीपल में जो कि है आधार विड्रॉ करें, और 100 से ऊपर जितना भी अमाउंट होता है जो जब आप निकालते हैं तो वहाँ पे आप 50 के ही मल्टीपल में निकालें, अगर आपको निकालना है तो। लेकिन आप कोशिश करें, आप हमेशा यही कोशिश करें कि आपको ऐसा निकालना ही ना पड़े, ऐसी नौबत आए ही ना। सीधा आप 1,000 निकाल लें या फिर सीधा आप 2,000 निकालें, 2,500 निकालें, 2,200 निकालें, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो कि है 2,110 या फिर 2,120 ऐसे करके ना निकालें। आप यहाँ पे 2,150 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आप जो कि 50 के मल्टीपल में आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आपको 10, 20, 30, 40 ऐसे करके आपको नहीं निकालना है। तो यही है एनपीसीआई का नया नियम, आपको इस पे ध्यान देना है। और अगर आप ऐसे निकालते हैं 10, 20, 30 करके, तो आपका जो कि है आईडी टर्मिनेट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए, आपके डिवाइस को भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।